ये सवाल जो आपने पूछा इससे मैं काफी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने भी फेस किया है और एक हर एक बंदा जो कुछ हटके करता है वो फेस करता ही है। एक बार मैं अपनी क्लास ले रहा था, एक आंटी ने मुझसे पूछा कि बेटा तू पहले सीए कर रहा था। ओके, पहले मैं सीए कर रहा था, तो सीए को छोड़ के फिर मैं आर्ट की फील्ड में आया, और आप जानते हो अभी मैं फुल टाइम आर्ट की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो सीए को छोड़ के मैं आर्ट की फील्ड में आया, तो एक आंटी ने मुझसे पूछा था कि बेटा तू सीए छोड़ के आर्ट में क्यों इतना घुस रहा है, तुझे पता है कि आर्ट में पैसे बहुत कम मिलते हैं, तेरे को सीए करना चाहिए था, उसमें बहुत अच्छे पैसे हैं। ओके, ये उन्होंने बात कही थी। तब मैंने एक चीज उनसे पूछी थी कि आंटी एक बात आपसे पूछता हूँ, बुरा मत मानना, आपकी आपका जो बेटा है, उनका एक बेटा है, मैंने उनसे ये पूछा था कि आपका जो बेटा है उससे अच्छे दिखने वाले, उससे अच्छे, उससे ज़्यादा टैलेंटेड, उसकी उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छा कमा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या आपको मौका मिले तो आप उन बच्चों में से किसी एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहोगे, अपने बच्चे को छोड़ दोगे, अपने बच्चे को छोड़ सकते हो? कोई ऐसा बच्चा अगर मिल जाए जो बहुत अच्छा है आपके बच्चे के कंपैरिजन में हर एक फील्ड में। थोड़ा सा नाराज हुई वो, तब मैंने उनको समझाया कि जैसे आप अपने बच्चे से जितना प्यार करते हो, वो कैसा भी हो ठीक है, उससे ज्यादा आप किसी और को प्यार नहीं कर पाओगे, भले ही कोई कितना भी अच्छा हो आपके बेटे से। उसी तरीके से ये आर्ट हमारे लिए प्यार है। पैसे कितने कम हैं, कितने ज़्यादा हैं, इसमें क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे टाइम के साथ फिगर आउट हो जाती हैं। बट द थिंग इज, आप अपने काम को कितना प्यार देते हो, ये आप सभी के लिए जो किसी भी फील्ड में हो। काफ़ी लोग क्या होता है कि अपने फील्ड में, जिस भी फील्ड में वो काम करना चाहते हैं, वो लोगों के वजह से, लोगों के ताने के वजह से, लोग के सवालों के वजह से, लोगों की सोच के वजह से अपने काम को छोड़ देते हैं। आपको एक्चुअल में ये समझना पड़ेगा, एक्चुअल में क्या आप अपने काम से प्यार करते हो? अगर करते हो तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, लोगों को फेस करना सीखना पड़ेगा, टाइम के साथ आप सीखोगे। आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके काम के बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता। आप अपने काम से कितना प्यार करते हो, आप अपने काम के लिए कितना ज़्यादा स्ट्रगल, कितनी ज़्यादा ऑपोजिशन, कितने ज़्यादा लोगों के तरफ से ताने सवाल फेस कर करके आगे बढ़ सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने काम से कितना कनेक्टेड हो और उससे प्यार करते हो।